नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब के ऊपर एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये वीडियो है राशि चक्र की प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। दैनिक राशिफल है 20 जुलाई 2019। तो स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन। चंद्र राशि आधारित है। सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। जय गणेश। ऑल डियर फ्रेंड्स, आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन। सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में। पंचांग आज का इस प्रकार है, विक्रम संवत 2075 आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तीज बोलते हैं जिसको। सुबह में 9:14 तक तीज है, उसके बाद चतुर्थी चालू हो जाएगी। शनिवार। नक्षत्र शतभिषा है, शतारका भी बोलते हैं इसको, शतभिषा बोलते हैं, एक ही नक्षत्र है। योग सौभाग्य करण भव और चंद्र राशि जो है वो कुंभ है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कौन कौन से राशि में जन्मे हुए नक्षत्र के लिए आज का दिन ज़्यादा शुभ रहेगा, कौन से नक्षत्र में जन्मे हुए जाता स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे, क्या है नक्षत्र सत्विषा का निवारण, नक्षत्र शांति के लिए क्या करना है, क्या है लकी कलर, देखते रहिए वीडियो एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन। सर्वप्रथम राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्र 11वें स्थान के अंदर है, जो कि आपके लिए बहुत शुभ है। 11वें चंद्र अवश्य जयकर्ता माने जाते हैं। तो मित्रों से लाभ रहेगा, स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा, संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं, तो दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राशि चक्र की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए चंद्र 10वें स्थान के अंदर है। 10वें स्थान के चंद्र जयकर्ता माने जाते हैं, बिजनेस में करियर में प्रोग्रेस करवाने वाले बनेंगे। पिता से लाभ रहेगा, माता से लाभ रहेगा, तो दिन आपके लिए भी बहुत शुभ है। वायु तत्व की तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए चंद्र का जो भ्रमण है आपके लिए भाग्य स्थान के अंदर होगा। भाग्य स्थान में चंद्र सत्विषा नक्षत्र में आपके लिए बहुत शुभ है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको डेफिनेटली आज लाभ हो सकता है। और मिथुन राशि में भी जो कोई भी जातक का जन्म मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए तो आज का दिन ज़्यादा शुभ रहेगा। आपके लिए संपत तारा है, संपत नक्षत्र है, तो दिन आपके लिए बहुत शुभ है। राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के लिए आज चंद्र अष्टम स्थान के अंदर है। कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, वाणी में भी संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर आँखों का विशेष कर करना होगा। राशि चक्र की पांचवीं राशि अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो आज का चंद्र है ये आपके लिए सप्तम स्थान के अंदर है, जो कि आपको दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ाने वाले होंगे और पब्लिक लाइफ के अंदर जो भी जातक है इनको भी बेनिफिट मिल सकता है। राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या राशि के लिए आज का चंद्र शत्रु विजय करवाने वाला है। और कन्या राशि में भी जो कोई भी जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए आज का दिन ग्रैंड सक्सेस वाला रहेगा। शत्रु विजय योग बनता है, मामा या मौसी की ओर से भी आपको लाभ मिल सकता है। राशि चक्र की सातवीं राशि वायु तत्व की राशि तुला राशि के लिए चंद्र आज पंचम स्थान के अंदर होंगे। संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं, मित्रों से लाभ रहेगा, स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा, नॉलेज में वृद्धि होती है, पढ़ाई करने वाले जातकों की पढ़ाई में वृद्धि होती है, तो दिन आपके लिए शुभ है। और राशि चक्र की आठवीं राशि जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि के लिए चंद्र आज जो है वो चतुर्थ भाव के अंदर होंगे। छाती के ऊपर चंद्र है, चौथे स्थान के अंदर, अननेसेसरी टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट करवा देंगे। तो रिलेशन में खास करके माता के साथ
पिता के साथ जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल के साथ सभी जगह पे आपको टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसका खास क्या करना होगा। राशि चक्र की नवमी राशि अग्नि तत्व की राशि धनु राशि, धनु राशि के लिए चंद्र आज पराक्रम स्थान के अंदर होंगे, नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ भी रहेगा, तो दिन आपके लिए बहुत शुभ है। राशि चक्र की दसवीं राशि मकर राशि, पृथ्वी तत्व की राशि मकर राशि के लिए चंद्र धन भाव के अंदर है, वाणी में जितनी मिठास नरमास रखेंगे इतना ही आज आपको लाभ रहेगा। और राशि चक्र की बारहवीं राशि मीन राशि के लिए चंद्र का भ्रमण बारहवें स्थान के अंदर है, तो बारहवें स्थान के चंद्र खर्च करवाएंगे आपको, यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग के अंदर आपके खर्चे आज ज़्यादा हो सकते हैं। और राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि के लिए चंद्र अपनी ही राशि के अंदर है, जो आपके लिए शुभ माने जाएंगे। आपके जन्म के चंद्र हमेशा पुष्टिकर्ता माने जाते हैं, इस हिसाब से आपको मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में वृद्धि करने वाले होंगे। आज का जो नक्षत्र सत विषा है, ये कौन कौन से नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ज़्यादा शुभ है, तो इसके लिए पहले बता दें, सर्वप्रथम वृषभ एवं मिथुन राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए आज का जो चंद्र है बिजनेस कैरियर यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको बेनिफिट करवाने वाला होगा। इसके बाद कन्या एवं तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए भी आज का दिन ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि आपके लिए भी संपत्ति नक्षत्र है सत्तर का, शत विषा नक्षत्र जो है आपके लिए भी संपत्ति देने वाला है और आपको बेनिफिट मिल सकता है आपके संतानों की ओर से, आपके लव वन की ओर से, और शत्रु विजय योग बनता है। विदेश यात्रा प्रवास से भी ट्रैवलिंग से बेनिफिट मिल सकता है, एब्रॉड कनेक्शन से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। और राशि चक्र जो घनिष्ठ नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म है मकर एवं कुंभ राशि में, इनके लिए भी चंद्र संपत्ति नक्षत्र में है, तो पारिवारिक मामलों में फैमिली मेम्बर से आपको लाभ रहेगा। कुटुंब में धन सुख में वृद्धि होती है, कुटुंब सुख में वृद्धि होती है, तो दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आज का जो नक्षत्र सत्विषा है, तो आज का जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा लाइट ब्राउन। और चंद्र के तीन नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन वाला रहेगा। चंद्र के तीन नक्षत्र इस प्रकार हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र, कन्या राशि में हस्त नक्षत्र और मकर राशि में श्रवण नक्षत्र। ये जातक थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे। वृषभ राशि में जो कोई भी जातक का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, ये इनको टेंशन मिल सकता है अपने फादर की ओर से, और विवाहित जातक को इन लॉस की ओर से, इन लॉस में खास करके मदर इन लॉस हैं और जॉब करते हैं यदि तो अपर लेवल की ओर से। ये तीन सेक्टर में आपको केयर करना होगा यदि आपका जन्म वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है, तो इनके लिए चंद्र का जो भ्रमण है ये आपके छठवें स्थान के अंदर है, तो साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण आपके साथ थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करवा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा। और रिलेशन में खास करके आपको मैटरनल साइड यानी कि मामा मौसी की ओर से भी टेंशन आने की संभावना रहती है। और मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए चंद्र धन भाव के अंदर है, विपत नक्षत्र में है, तो पारिवारिक सदस्यों की ओर से आपको टेंशन मिल सकता है या तो फाइनेंशियल मैटर की वजह से आपको टेंशन मिल सकता है। तो सत्विषा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, सत्विषा नक्षत्र की जो योनि है वो अश्व योनि है, अश्व माने घोड़ा, तो सत्विषा नक्षत्र की शांति के लिए आपको अश्व को खिलाना है, अश्व यानी कि घोड़ा, घोड़े को आप खिला सकते हो आज के दिन सत्विषा नक्षत्र की शांति के लिए। आज का जो डेट है तारीख 20 है, तो आज का लकी कलर रहेगा वाइट, इसके साथ आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सत्विषा नक्षत्र का कलर रहेगा लाइट ब्राउन। और सूर्य का जो नक्षत्र पुनर्वसु चल रहा है, और सूर्य आई थिंक आज राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, और सूर्य चलेंगे इसमें
पुष्य नक्षत्र में शाम को 4:27 से, तो पुष्य नक्षत्र में जो सूर्य का भ्रमण कैसा रहेगा इसका भी एक अलग वीडियो बनता है, आज के दिन के अंदर ही बनेगा और वो आप जरूर देखिए चैनल के ऊपर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। आप जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो ऐसी शुभकामना है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक इत्यादि माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सकें।